हेलो टू एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में हम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने 15 क्वेश्चंस मैथमेटिकल फिजिक्स से और 15 क्वेश्चंस क्लासिकल फिजिक्स से सॉल्व किए हैं। आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन से। इट सेज द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफीन कैन बी थॉट ऑफ एज ए टू डायमेंशनल गैस विद ए लीनियर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ई इज इक्वल टू पी वी। वी इज सम कॉन्स्टेंट। If rho is the number of electrons per unit area, then the energy per unit area is proportional to. So dimension जो है ये 2 given है, ठीक है, 2 dimensional gas है, इसलिए d की value कितनी हो गई, 2 है। Energy momentum relation है E is equal to p v, ठीक है, और p क्या होता है, h cut k, so h cut k v, so directly proportional आ गया k के। Dispersion relation देखें तो वैसे होता है E directly proportional to k to the power some s, तो यहां पर अगर कंपेयर करें तो एस की वैल्यू हमें मिलती है 1। अब गिवन है कि रो जो है अपने पास क्या है, नंबर डेंसिटी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया है। सो रो क्या है, नंबर डेंसिटी। इसी तरीके से यू हम सपोज करके चलते हैं एनर्जी डेंसिटी है, दैट मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये पूछ रहा है कि एनर्जी डेंसिटी रो के साथ कैसे वेरी करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। सो देखिए एक ट्रिक है कि इफ, ये मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि इफ ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस, ठीक है, देन दो नंबर डेंसिटी है रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ टू द पावर डी बाय एस, एंड द एनर्जी डेंसिटी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ टू द पावर डी बाय एस प्लस 1, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ टू द पावर डी, कितना है 2 है, एस कितना है 1 है, सो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट मीन्स ई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टू द पावर हाफ। यहां से देखें तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ टू द पावर डी बाई एस, ये 2 है, ठीक है, डी बाई एस 2 है और 2 प्लस 1 3 है। सो यहाँ पर ई एफ की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, देन आई एम गेटिंग यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर ये 3 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी डेंसिटी नंबर डेंसिटी के साथ वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। देखिए 32 क्वेश्चन है, एन एटम हैज ए नॉन डीजनरेट ग्राउंड स्टेट एंड ए डबली डीजनरेट एक्साइटेड स्टेट, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स इज ई, द स्पेसिफिक हीट एट वेरी लो टेम्परेचर इज गिवन बाय। ओके, एक है ग्राउंड स्टेट अपने पास में जो कि कैसा है, नॉन डीजनरेट है, और एक है एक्साइटेड स्टेट। एक क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आपने सपोज करना है वो कितना दे रखा है, ई है। सो आप इसको 0 ले लीजिए, इसको ई ले लीजिए, इसको ई ले रहे हैं तो इसको 2 ई लेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं 0 मान लेता हूँ, इसको ई मान लेता हूँ, एनर्जी डिफरेंस कितना है, ई है। ये तो नॉन डीजनरेट है, बट दिस इज डबली डीजनरेट, ये गिवन है क्वेश्चन में, डबली डीजनरेट है, ठीक है। ऑल्सो इट इज सेड दैट यू हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर व्हेन टी इज लेस। व्हेन टी इज लेस देन बीटा विच इज 1 बाय के टी, दिस इज मोर, दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस बीटा, अगेन इट इज लेस, वाइल ई टू द पावर प्लस बीटा ई इज मोर, ठीक है। सो देखिए यहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राउंड स्टेट है ये तो नॉन डिजनरेट है, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये ई टू द पावर 0 विच इज 1 प्लस में डब्ल्यू डिजनरेट, सो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस में बीटा ई हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल बाय डेल बीटा एल एन जेड, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल बाय डेल बीटा एल एन ऑफ 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा ई, यहाँ से आ जाएगा एल एन ऑफ समथिंग, ये तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा ई, और फिर इसका करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा बीटा के रेस्पेक्ट में, और इसका होगा 2 और ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ये तो सेम, और माइनस बीटा ई का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई हो जाएगा, ठीक है, माइनस ई हो जाएगा, और ये माइनस आगे भी है तो ये प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 ई ई टू द पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस बीटा, ये आ गया आपके पास में इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस 2e टू द पावर माइनस बीटा ई इसका होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ये चीज सेम 1+2e-β e, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा, ये तो सेम आएगा, ये कितना आ जाएगा 2e-β e, और मल्टीप्लाई विद द माइनस बीटा ई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी, यानी कि माइनस ई बाई के टी का। सो माइनस ई और 1/kT का कितना हो जाएगा, -1/kT² हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन आगे भी है, इसके बाद इसी में ही न्यूमरेटर में ही आगे लिखेंगे, ठीक है। देन माइनस में अब ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट रखेंगे, 2e-β e, और फिर इसके बाद इसका होगा, तो देखिए 1 का तो 0 हो गया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, इसका कितना होगा 2e-β e, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -e·-1/kT², ठीक है, ये आ जाएगा कम्प्लीटली। अब देखिए ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अगर इसे सॉल्व करें देन आई एम गेटिंग, देखिए ये जो टर्म है, आप इस टर्म को देखिए, 2e-β e, 2e-β e, और e डिवाइडेड बाय kT², ये देखिए सेम है, ठीक है। 2e ये रहा, e-β e ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद में 2e-β e वो ये रहा, और e डिवाइडेड बाय kT² वो ये रहा। सो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सो आई एम गेटिंग 1 × दिस, कितना है ये 2e-β e, और e स्क्वायर हो जाएगा e·e, और डिवाइडेड बाय kT² आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय देखिए e·β e, इट इज़ वेरी वेरी मच लेस बिकॉज t इज वेरी लो, ठीक है। सो e·β e इज ऑल्सो वेरी लो, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू दिस 1। सो ये आ जाएगा सिंपली 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 1। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ 1, ठीक है। तो इतना ही आंसर आएगा। सो इसमें देख लीजिए आप, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा e·kT इसका होल स्क्वायर, अगर आप k से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, k से मल्टीप्लाई, k से डिवाइड, तो आ जाएगा e·kT इसका होल स्क्वायर, k और e·β e, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2k और बीटा ई इसका होल स्क्वायर e·β e, ये आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये मैच कर रहा है 2k बीटा ई का होल स्क्वायर e·β e, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए नॉन इंट्रैक्टिंग 3-डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक सिस्टम। ओके, डायमेंशन जो आपको गिवन है वो कितने हैं, 3 है। लेबल्ड बाय मोमेंटम के आर प्रोपोर्शनल टू के क्यूब। ओके, ये गिवन है अपने को, देखिए एनर्जी प्रोपोर्शनल टू के क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें e·k·s से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आने लग रही है। द एवरेज प्रेशर टू द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इसका रेशियो आपसे पूछा एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। ओके, एवरेज प्रेशर पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी यू, इसकी वैल्यू होती है s/3, ठीक है। ये मैंने वीडियो लेक्चर में बता रखा है जब मैंने शॉर्ट ट्रिक्स करवाया था उस टाइम, ठीक है। तो s की वैल्यू सिंपली 3 है, तो यह कितना आ जाएगा, 3/3, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन नॉन इंट्रैक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स इज दिस। ओके, हैमिल्टोनियन गिवन है -μ0bi(si)z, और si(z) इट कैन टेक द वैल्यूज आइदर +1 or -1, ठीक है। आर द कंपोनेंट्स ऑफ ith स्पिन अलोंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए टेम्परेचर टी सच दैट, अब एक वैल्यू दे रखी है आपको e·μ0b/kT, इसकी वैल्यू फिक्स है एक्चुअल में, इसकी वैल्यू है 2। तो स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल आपसे पूछ रहा है, स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल ये आपसे पूछ रहा है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका करस्पॉन्डिंगली सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि पार्टीशन फंक्शन क्या है। सो देखिए ये आपके पास में जो वैल्यू है ये क्या ले रहा है, si z की वैल्यू आइदर +1 or -1 ले रहा है। सो इसके करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन कितना आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग आ जाता है -μ0b, और इसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा +μ0b। सो पार्टीशन फंक्शन कितना हो गया, देखिए दोनों जो है वो नॉन डीजनरेट हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, gi e·μ0i होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा e·μ0b एंड प्लस में e·μ0b, ठीक है, इतना आ जाएगा ना। एंड देन वी कैन राइट इट एज 2cosh, और ये आ जाएगा, अच्छा एक चीज़ और, बीटा भी है ना साथ में, बीटा भी है, तो बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, β·μ0b ये आ जाएगा। दिस इज द पार्टीशन फंक्शन। नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी विच इज -∆∆βln(z) विच इज ln 2cosh और β·μ0b,
ठीक है, इसका आप ऐसे ले सकते हैं माइनस डेल बाय डेल बीटा और ln 2 प्लस में ln ऑफ cos h बीटा म्यू नॉट बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब बीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ln 2 का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ये तो सिंपली कितना आ गया, जीरो आ गया, प्लस में इसका करना है तो माइनस और ये आ जाएगा, बीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए कितना आएगा, ये cos h 1 बाय cos h और बीटा म्यू नॉट बी। फिर cos h x का कितना होता है, ये होता है sin h x, दैट मीन sin h बीटा म्यू नॉट बी, ठीक है। और फिर इनटू में ये हो जाएगा बीटा म्यू नॉट बी का विद रिस्पेक्ट टू बीटा, विच इज ऑब्वियसली म्यू नॉट बी, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में म्यू नॉट बी। ओके, सो ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट बी और ये साइन एच बाई कोस एच, ये आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक बीटा म्यू नॉट बी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट विच इज डेल यू बाय डेल टी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बी, तो आ जाएगा माइनस म्यू नॉट बी, टेन एच एक्स का होता है सीकेंट एच स्क्वायर, सो सीकेंट एच स्क्वायर एक्स, सो बीटा म्यू नॉट बी, ठीक है। और इनटू में बीटा म्यू नॉट बी, दैट मीन्स म्यू नॉट बी बाय के टी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी, कितना हो जाएगा म्यू नॉट बी और वन बाय के टी का कितना होता है माइनस वन बाय के टी स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, सो आई एम गेटिंग म्यू नॉट बी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट बी इंटू म्यू नॉट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका भी कर लीजिए के टी स्क्वायर हो जाएगा अगर आप के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो, और इसका हो जाएगा सीकेंट एच स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता होता है वन बाय कोस हाइपरबोलिक, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो वन बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर और बीटा म्यू नॉट बी, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए ये दोनों कंबाइन अगर आप करेंगे तो आई एम गेटिंग म्यू नॉट बी बाय के टी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय, देखिए कोस हाइपरबोलिक, कोस एच एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, कोस एच एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स विच इज म्यू नॉट बी और बाय के टी, ठीक है, प्लस में ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी बाय के टी डिवाइडेड बाय टू, और इसका क्या लग रहा है होल स्क्वायर है, ठीक है, सो आई एम गेटिंग के और म्यू नॉट बी बाय के टी। सो देखिए आपको गिवन था कि ई टू द पावर म्यू नॉट बी बाय के टी इसकी वैल्यू कितनी है, टू है, सो म्यू नॉट बी बाय के टी कितना हो जाएगा अगर दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लिया जाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू नॉट बी बाय के टी का, इट्स वैल्यू इज एल एन टू, सो यहाँ रख देंगे एल एन टू, एल एन टू इसका कितना होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा फोर, ठीक है, ऊपर चला जाएगा फोर, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है टू, ठीक है, सो टू प्लस में ई टू द पावर माइनस ये चीज़ कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस म्यू नॉट बी बाई के टी की ये वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू, इन्वर्स कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो वन बाई टू आ जाएगा, तो वन बाई टू और इसका कितना होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका तो होल स्क्वायर कर चुके ना, टू का स्क्वायर तो फोर आ गया, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपके पास में के एल एन टू इसका होल स्क्वायर और इंटू में फोर डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा देखिए फोर प्लस वन फाइव बाई टू इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव बाई फोर, सो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव और ये फोर ऊपर जाएगा तो सिक्सटीन, सो आंसर ही आना है, आंसर ही आ जाएगा 16 बाई 25 के एल एन टू इसका होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लोज्ड सिस्टम हैविंग थ्री नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज विद एनर्जी जीरो प्लस माइनस ई इज अ टेम्परेचर से कैपिटल टी, ठीक है, ई की वैल्यू हमें लेना है 2 kT, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट विद एनर्जी ई इज इक्वल टू जीरो, एनर्जी गिवन है जीरो प्लस ई या फिर माइनस ई, ठीक है, ई की वैल्यू ये लेने लग रहा है 2 kT और हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम इन द स्टेट ई इज इक्वल टू जीरो, तो कितना आंसर आ जाएगा, पी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय जेड, करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी जीरो पूछ रहा है तो ई टू द पावर जीरो हो जाएगा विच इज वन डिवाइडेड बाय जेड। पार्टीशन फंक्शन क्या होगा इस सिस्टम का, सो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। अब देखें यहाँ पर तो ये सारे जो है नॉन डिजनरेट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, इसकी वैल्यू ई टू द पावर जीरो विच इज वन प्लस में ई टू द पावर ई बाय के टी प्लस में ई टू द पावर माइनस ई बाय के टी, ये आ जाएगा, ठीक है, वन प्लस ई टू द पावर और ये देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसको हम कंपेयर करें फॉर्मूले से कोस एच एक्स, ठीक है, कोस एच एक्स का फॉर्मूला देखिए, कोस एच एक्स का क्या होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, तो x की वैल्यू है e by kt, सो यहाँ पर इन दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 cos hx आ जाएगा, तो 2 cos h और x कितना है, x हमारे पास में e by kt है, तो आ जाएगा 1 plus 2 cos h और e की वैल्यू कितनी है 2 kt, सो 2 kt divided by kt, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग 1 plus 2
कोस हाइपरबोलिक टू, तो आ जाएगा यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू 1+2 कोस हाइपरबोलिक टू, यही प्रॉबिलिटी आएगी, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट लो टेम्परेचर्स इन द डीबे अप्रॉक्सिमेशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोनोन्स टू द हीट कैपेसिटी ऑफ ए टू डायमेंशनल सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू, लो टेम्परेचर पर, ठीक है, लो टेम्परेचर पर आपसे पूछ रहा है। सो लो टेम्परेचर पर जो आपके पास में डीबे अप्रॉक्सिमेशन में जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर डी बाय एस। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन टू है, ठीक है, और एस की वैल्यू क्या होगी, इसके इसमें फोनोन है, तो फोनोन का डिस्पर्सन रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच कट के, और जो भी कांस्टेंट आ रहा हो इसके साथ में वो लगा लेंगे, ठीक है, तो आपके पास प्रोपोर्शनल टू के है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, सो एस की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम ईच मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन 3 पॉसिबल स्टेट्स विद प्रोबेबिलिटीज 1/2, 1/3 एंड 1/6 रेस्पेक्टिवली, द एंट्रोपी पर मॉलिक्यूल इज, सो प्रोबेबिलिटीज आपके पास गिवन है, P1 गिवन है 1/2, P2 गिवन है 1/3 एंड P3 गिवन है 1/6, ठीक है, सो एंट्रोपी पर मॉलिक्यूल हमें फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी पर मॉलिक्यूल, तो कितना फॉर्मूला होता है इसका, इसका होता है -KBPILNP, ठीक है, आयरन फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक, तो आ जाएगा -K, ठीक है, ½ LN ½ प्लस में 1/3 LN 1/3 प्लस 1/6 LN 1/6, तो आ जाएगा -K ½ और ये आ जाएगा LN 1 - LN 2, ठीक है, प्लस 1/3 LN 1 - LN 3 एंड प्लस, देखिए 6 है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, प्लस में 1/6 LN 1 माइनस में LN 2 एंड -LN 3, ये आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, देखिए LN 1 जीरो होता है, तो ये जीरो हो गए सब, ठीक है, ये भी जीरो हो गया, सो आई एम गेटिंग, देखिए -K ½, ठीक है, और देखिए माइनस, ये सभी माइनस में है ना, ये सभी माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस K ½ LN 2 प्लस 1/3 LN 3 प्लस 1/6 LN 2 प्लस 1/6 LN 3, और ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, K ln 2 और 1/2 प्लस 1/6 प्लस में LN 3 और 1/3 प्लस 1/6, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा K और LN 2 और ये आ जाएगा 6 LCM, सो 4/6 विच इज 2/3, ठीक है, एंड प्लस में LN 3 और यहाँ से आ जाएगा LCM 6, सो 2+1 विच इज 3 by 6 विच इज ½, ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन आएगा विच इज K ln 2 प्लस में ½ KBLN 3, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन इंट्रैक्टिंग वन डायमेंशनल ऑस्किलेटर्स द वैल्यू ऑफ द फ्री एनर्जी पर ऑस्किलेटर इन द लिमिट T→0 इज, ओके T→0 है, 1D ऑस्किलेटर की बात कर रहे हैं, 1D ऑस्किलेटर है, सो 1D ऑस्किलेटर अगर है अपने पास में, देखिए आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है n+½ एच कट ओमेगा, सो पार्टीशन फंक्शन का कितना आ गया, GiE^-βEi, दैट मीन्स GiE^-βn+½ एच कट ओमेगा, और n रन करेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, और सभी कैसे हैं, नॉन डिजेनरेट, तो GI की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सो यहाँ से देखिए इसको सीरीज को हम ओपन करते हैं, आई एम गेटिंग e^-β h^ω/2 प्लस e^-3β h^ω/2 प्लस में e^-5β h^ω/2 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब फर्स्ट वाला जो टर्म होता है उसको हम 1 बनाते हैं ताकि GP सीरीज बन जाए इन्फिनिटी, ठीक है, तो कितना जाएगा e^-β h^ω/2 एंड 1+e^-, में यह आ जाएगा आपके पास में 3/2 है, सो 1/2 आपको मन ले चुके, तो -β h^ω प्लस में e^-, में यह आ जाएगा माइनस में 2β h^ω, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी इस तरीके से, सो
या के उसमें क्या है, ये सीरीज है, इनफिनाइट जीपी सीरीज है, ठीक है। रेशो क्या है यहाँ पर, कॉमन रेशो है ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, और फर्स्ट टर्म क्या है, वन है, तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म कितनी है, वन है, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर कितना है, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा है, तो आप इसका कह सकते हैं ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, और यहाँ से आप एक काम कीजिए, ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू आप कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, वन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय टू एंड माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और वन डिवाइडेड बाय टू साइन एच बीटा एच कट ओमेगा बाय टू आ जाएगा। दिस इज द पार्टीशन फंक्शन। फ्री एनर्जी इसका देखें तो कितना आएगा, देखिए फ्री एनर्जी इसका हम देखें, आई एम गेटिंग एफ इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन जेड, ठीक है, तो माइनस के टी और एल एन जेड विच इज वन बाय टू साइन एच एंड बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, ठीक है। सो आई एम गेटिंग एक्चुअली माइनस के टी, और देखिए इसको आप काम कीजिए, इसको इस टर्म में मत लिखिए, ठीक है, इसको इस टर्म में मत लिखिए, इसको सिंपली आप यही लिखिए, वन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय टू माइनस ये, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल एन वन, और माइनस में ये वाली टर्म कितनी है, एल एन ऑफ ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय टू माइनस में, ठीक है, माइनस में ये टर्म है ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, ये टर्म आ जाएगी। सो ये आ जाएगा माइनस के टी, और देखिए एल एन वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और एल एन ऑफ ये कितना आ जाएगा, देखिए टी अगर टेंड्स टू जीरो है तो बीटा विच इज वन बाय के टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा ई टू द पावर बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, ठीक है, बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, और देखिए इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज़ जीरो, ठीक है, तो आ जाएगा के टी और बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, सो आई एम गेटिंग के टी इन टू एच कट ओमेगा बाय टू और बीटा इज वन बाय के टी, सो ये कैंसिल हो जाएगा, आई एम गेटिंग एच कट ओमेगा बाय टू, हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, हाफ एच कट ओमेगा इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ए रैंडम वॉक ऑन एन इन्फेनाइट टू डायमेंशनल ट्रेंगुलर लेटिस, ए पार्ट ऑफ विच इज शोन इन द फिगर, इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मूविंग टू एनी ऑफ द नियरेस्ट नाइबर साइट्स आर इक्वल, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पोजिशन एट द एंड ऑफ एग्जैक्टली थ्री स्टेप्स। तो तीन स्टेप्स में इसको वापस से उसी पोजिशन पर आना है। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करता है इस टू डायमेंशनल ट्रेंगुलर लेटिस में, सो रैंडम वॉक अगर यहाँ स्टार्ट करता है तो इसके पास सिक्स पॉसिबल डायरेक्शन से जाने के लिए, और वो कोई भी चूज कर सकता है, ठीक है, एनी वन आउट ऑफ दीज सिक्स, सो वट इज द प्रोबेबिलिटी, वन बाय सिक्स इन टू, बिकॉज प्रोबेबिलिटीज इज हेयर मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि इसने ये वाला पाथ चूज कर लिया और ये यहाँ आ गया, अगेन इसके पास में देखिए कितने पॉसिबल चांसेस हैं, देखिए क्या इधर जा सकता है, इधर या इधर, नहीं, इन तीनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि फिर उसके बाद में ये वापस जो है तीन स्टेप्स में इस पॉइंट पर नहीं आ पाएगा, अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप ये चूज करता है तो, ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स नहीं ले सकता है, वापस तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब दो नंबर ऑफ वेज हैं कि है, या तो इस डायरेक्शन में स्टेप ले या फिर इस डायरेक्शन में स्टेप ले, तो कितना हो जाएगा ये, टू आउट ऑफ सिक्स मल्टीप्लाई, मान लीजिए इसने ये वाला स्टेप ले लिया, तो ये वाला स्टेप लेकर के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर, और इसने रिटर्न आना है थर्ड स्टेप में, तो इसका मतलब ये थर्ड स्टेप ये पक्का है कि ये वाला ही लेने वाला है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, प्रोबेबिलिटी इज वन हेयर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज वन, सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन बाय एटीन, वन बाय एटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज ए सिस्टम ऑफ एन नॉन इंट्रैक्टिंग क्लासिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम इज इन ए टू डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल विच इज गिवन टू यू, अल्फा इज सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, देन द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर टी इज इन टर्म्स ऑफ बीटा, ठीक है, सो एन नॉन इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स, तो पार्टीशन फंक्शन जो नेट हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन इट इज जेड टू द पावर एन फॉर अ सिंगल पार्टिकल टू द पावर एन, सो सिंगल पार्टिकल के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल अपने को गिवन है, इट इज अल्फा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हैमिल्टोनियन या फिर हम कहें एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय टू एम, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है,
पी वाई है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी वाई स्क्वायर बाय 2m प्लस में पोटेंशियल एनर्जी विच इज अल्फा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास. सो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन इज ये हो जाएगा अपने पास में 4 इंटीग्रेशन आएंगे क्योंकि 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन होता तो 6 इंटीग्रेशन आते हैं इन द फेस स्पेस. सो ये आ जाएगा आपके पास में सभी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, और e टू द पावर माइनस बीटा, और ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाय 2m, ठीक है, प्लस में पी वाई स्क्वायर बाय 2m प्लस में अल्फा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी एक्स डी वाई, ठीक है. यहाँ से देखिए हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाय 2m, इसकी वैल्यू सेम आने वाली है, दिस इज सेम एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा पी वाई स्क्वायर बाय 2m, और इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ पाई बाय ए, ठीक है, स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल है ये, हम यहाँ पर यूज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा ए, ए यहाँ पर कितना है, ए यहाँ पर है बीटा बाय 2m, ठीक है, बीटा बाय 2m और बीटा 1 बाय के टी होता है तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई m के टी आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 पाई m के टी. नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी बचे हुए दो इंटीग्रेशन की. देखिए अब स्पेस कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y, इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए हमने करना है, मोमेंटम स्पेस वाला कोऑर्डिनेट हमने चूज कर लिया था, पी एक्स और पी वाई दोनों का इंटीग्रेशन बता दिया है. अब स्पेस वाले में कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू सेम आएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा अल्फा वाई स्क्वायर और डी वाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो, ठीक है, सेम स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट पाई बाय ए, यहाँ पर ए कितना है, बीटा अल्फा है, बीटा अल्फा है ये वैल्यू है. अच्छा बीटा की टर्म में फाइंड आउट करना था ना, बीटा की टर्म में अगर फाइंड आउट करना है तो फिर इसको आप एक काम कीजिए, यहाँ से इसको बीटा ही रहने दीजिए, 2m ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई m डिवाइडेड बाय बीटा आ जाएगा, ठीक है. और अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, तो देखिए ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और दोनों किसमें हैं, मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली ये भी और ये भी दोनों किसमें, मल्टीप्लाई में है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, और फिर ये और ये दोनों आपस मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर देखें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा पाई बाय बीटा अल्फा, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई विद 2 पाई एम बाय बीटा, ठीक है, सो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम बाय बीटा स्क्वायर अल्फा, और ये एक पार्टिकल के लिए आया, अगर n नॉन इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स हैं तो कितना आ जाएगा टू द पावर n, ठीक है. सो ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 41 क्वेश्चन. देखिए 41 क्वेश्चन है, इट सेज इन ए सिस्टम ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ईच पार्टिकल कैन बी इन वन ऑफ टू स्टेट्स विद एनर्जी जीरो एंड माइनस ई रेस्पेक्टिवली, द मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर कैपिटल टी इज, ठीक है. ये देखिए n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और दो स्टेट्स दे रखे हैं, एनर्जी जिसकी हो सकती है जीरो या फिर माइनस ई, और मीन एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, तो मीन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज जी आई ई आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, विच इज जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ठीक है, ये अपने पास में फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए दोनों नॉन डिजनरेट हैं, सो जी आई की वैल्यू तो वन हो जाएगी, फर्स्ट वाले केस के लिए कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है, और इस वाले के लिए माइनस ई के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस ई और मल्टीप्लाई विद ई टू द पावर माइनस बीटा एंड माइनस ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये एक पार्टिकल के निकाल रहे हैं, अगर एन पार्टिकल्स के निकालना है तो हमने एन से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और जेड निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, जी आई की वैल्यू वन हो जाएगी, ई टू द पावर जीरो विच इज वन प्लस में, ठीक है, माइनस ई पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस बीटा एंड माइनस में ई, तो ये आ जाएगा माइनस ई ई टू द पावर बीटा ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर बीटा ई, ठीक है, और ये आ जाएगा, अच्छा एन से भी मल्टीप्लाई है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एन ई
एंड ई टू द पावर बीटा ई डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं ई टू द पावर बीटा ई, देन आई एम गेटिंग 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ये कैंसिल हो गया, आई एम गेटिंग माइनस एन ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और बीटा की वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 1 बाय के टी, ठीक है, बीटा की वैल्यू 1 बाय के टी, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस एन ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाय के टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 42 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए गैस ऑफ एन पार्टिकल्स इन ए वॉल्यूम वी एंड ऑफ इंटरनल एनर्जी यू इज गिवन बाय दिस। नाउ इट्स प्रेशर पी एंड वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी, दे आर रिलेटेड बाय, ठीक है, आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स गिवन है, दिस इज वी माइनस एन बी, ठीक है, टू द पावर कैपिटल एन, ठीक है, और ए यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एन और इसके पावर 3n बाय 2 है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले काम करते हैं, s निकाल लेते हैं, s विच इज k ln w या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा k, और यह आ जाएगा n, ठीक है, ln v माइनस एन बी, ठीक है, एंड प्लस में 3n बाय 2, ठीक है, 3n बाय 2 एंड ln ऑफ यह आ जाएगा ए यू डिवाइडेड बाई एन, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, और ln a टू द पावर n कितना होता है, n a ln n, ठीक है, तो यही अपने यूज़ किया है। अब यहाँ से अपने को फाइंड आउट करना है p, v और t के बीच में रिलेशन, सो बेटर है s, p, v और t, इन चारों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने पता नहीं कैसे याद कर रखा है, आप देख लीजिएगा एक बार, बट मैं लिख देता हूँ जैसे मैंने याद किया हुआ है, उसके हिसाब से देखें तो s जो है, देखिए v का फंक्शन है, ठीक है, इन टर्म्स में से s जो है सिर्फ और सिर्फ v का फंक्शन है, तो वही मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम ये यूज़ करें, देन डेल p बाई डेल v इज इक्वल टू डेल s बाई डेल v, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में, इस कॉन्स्टेंट v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन यूज़ करेंगे, देन इट कम्स आउट टू बी डेल p बाय डेल t, दिस इज इक्वल टू डेल s बाई डेल v, कितना हो जाएगा यहाँ से, डेल s बाई डेल v हो जाएगा एन के, और एल एन एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा 1 बाय एक्स, दैट मीन्स 1 बाय वी माइनस एन बी, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय वी माइनस एन बी एंड मल्टीप्लाई विद द, और ये इसका हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से, तो सो आई एम गेटिंग डी पी इज इक्वल टू एन के डिवाइडेड बाय वी माइनस एन बी इन टू में डी टी, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे, आई एम गेटिंग पी इज इक्वल टू, और ये वी माइनस एन बी पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी इंटू वी माइनस एन बी दिस इज इक्वल टू एन के टी, ये आपके पास में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा पी वी और टी के बीच में, ठीक है, आई एम यूजिंग एक्चुअली मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 43 क्वेश्चन है, कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफीन विच इज़ ए प्लेनर मोनोटोमिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, इफ द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज टेकन टू बी दिस ओवर द एंटायर के स्पेस, देन द फेर्मी एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रो एज। ओके, सो देखिए यहाँ पर गिवन है ई इज इक्वल टू सी के, ये डिस्पर्जन रिलेशन गिवन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, और कंपेयर करें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर एस से, जो कि डिस्पर्जन रिलेशन होता है, तो यहाँ से हमें पता चलता है एस की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ग्रेफीन है इन इज ए प्लेनर, तो प्लेन की बात कर रहा है, दैट मीन्स डायमेंशन कितना है, 2 है, डायमेंशन कितना है, 2 है, प्लेनर मोनोटोमिक लेयर है, ठीक है, सो प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए डायमेंशन कितना है इसके अंदर, 2 है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर डेंसिटी, सो नंबर डेंसिटी रो जो है वो मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ टू द पावर डी बाय एस होता है, ठीक है, डी बाय एस होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ टू द पावर, और यह आ जाएगा डी विच इज 2, ठीक है, सो 2, और यहाँ से आ जाएगा ई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी टू द पावर 1/2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट सेज कंसिडर 3 आइसिंग स्पिन्स एट द वर्टिसिज ऑफ ए ट्रेंगल विच इंट्रैक्ट विद ईच अदर विद ए फेरोमैग्नेटिक आइसिंग इंट्रैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ जे, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर टी इज इन टर्म्स ऑफ बीटा। ओके, आइसिंग मॉडल से बेस्ड क्वेश्चन है, तो ट्रेंगल पर हम कोई 3 स्पिन्स पहले मान लेते हैं, एस वन मान लिया, एस टू मान लिया और एस थ्री मान लिया, और इन तीनों के बीच में इंट्रैक्शन है,
विद ए फेरोमैग्नेटिक आइसिंग इंट्रैक्शन स्ट्रेंथ जे. तो यहाँ से हैमिल्टोनियन अगर फाइंड आउट करें तो हैमिल्टोनियन आ जाएगा यहाँ से, दिस इज माइनस जे, इनके बीच में इंट्रैक्शन एस वन एस टू प्लस में एस टू एस थ्री प्लस में एस थ्री एस वन, एस थ्री एस वन, ठीक है, वेयर एस वन एस टू और एस थ्री दे कैन टेक आइदर वैल्यू प्लस वन और माइनस वन. और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से पार्टीशन फंक्शन. इजी है, जस्ट यहाँ पर हमने को केसेस बनाना पड़ेगा, केसेस बनाना पड़ेगा और करस्पॉन्डिंगली एनर्जी लिखनी पड़ेगी. तो देखिए कैसे लिखेंगे इसमें, एस वन एस टू एस थ्री एंड हैमिल्टोनियन एच, ठीक है. सो कितना आ जाएगा, देखिए वन 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 माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, वन वन माइनस वन माइनस वन, वन वन माइनस वन माइनस वन, देन वन माइनस वन वन माइनस वन, वन माइनस वन वन माइनस वन. अब लिखना है हम देखो हैमिल्टोनियन. देखिए एस वन एस टू कितना है, वन है, एस टू एस थ्री वन है, एस थ्री एस वन वन है, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा और थ्री इंटू माइनस जे माइनस थ्री भी आ जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एस वन एस टू वन और ये माइनस वन और ये माइनस वन, कितना आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस जे इज प्लस जे, ठीक है. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए माइनस वन माइनस वन प्लस वन अगेन माइनस वन इट इज प्लस जे. देखिए ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, माइनस थ्री जे अगर आप वन 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 लेते हैं, आल्सो माइनस वन और लेने पर अपने पास कितना आ रहा है, माइनस थ्री जे आ रहा है. बाकी सब केसेस में, छह केसेस में अपने पास कितना आ रहा है, प्लस जे आ रहा है, ठीक है. आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यही आएगा आपके पास. तो अपने पास में पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है. तो डिजेनरेसी देखें तो देखिए इसकी डिजेनरेसी कितनी है, टू है, ई टू द पावर माइनस बीटा एंड माइनस थ्री जे प्लस में ये सिक्स फोल्ड डिजेनरेट है माइनस सॉरी प्लस जे, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, सिक्स ई टू द पावर माइनस बीटा प्लस जे. तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा टू ई टू द पावर थ्री बीटा जे एंड प्लस में सिक्स ई टू द पावर माइनस बीटा जे. दिस इज द पार्टीशन फंक्शन, दिस इज द पार्टीशन फंक्शन. सो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन मैच कर रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 45 क्वेश्चन है, ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन गिवन है, गिब्स पोटेंशियल गिवन है एक्चुअल में आपको. सो जी है एक्चुअल में यू माइनस टी एस एंड प्लस में पी वी, ठीक है, ये आपके पास में गिवन है. इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी यू, टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू. एस जी और टी के बीच में रिलेशन दे रखा है, वी जी और पी और म्यू जी और एन के बीच में रिलेशन दे रखा है. चलिए देखिए फाइंड आउट करते हैं रिलेशन. देखिए फोर थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं, सबसे पहले तो आपको याद होने चाहिए, उसका यूज होगा जब भी हम डिराइव करते हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस. तो फोर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन कौन से हैं, देखिए लिखते हैं एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, जी इज इक्वल टू, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट है यू इज इक्वल टू टी एस माइनस में पी वी. फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक्चुअली में से डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, ठीक है. इसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसको तो ये आ जाता है. फिर हम नेक्स्ट बात करें हम एच विच इज़ यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी, ठीक है. तो हम देखें यहाँ पर यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी, दिस इज एच एंड माइनस टी एस. तो ये रिलेशन आपको गिवन है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो डी जी की वैल्यू आ जाएगी डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस में पी डी वी प्लस में वी डी पी. और डी यू की वैल्यू कितनी है, टी डी एस माइनस पी डी वी एंड माइनस में टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस में पी डी वी प्लस में वी डी पी, ये आ जाएगा. और टर्म्स जो कैंसिल हो रही हैं वो ये दोनों हैं और आल्सो ये भी है, ठीक है. तो डी जी की वैल्यू है माइनस एस डी टी एंड प्लस में वी डी पी. तो रिलेशन आपके पास में आ जाता है एस इज इक्वल टू माइनस में डेल जी बाय डेल टी, ठीक है. एंड दिस इज एट कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है. आल्सो वॉल्यूम वी आ जाता है आपके पास में डेल जी बाय डेल पी, दिस इज एट कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी, ठीक है. तो ये रिलेशन आपके पास में आएंगे दोनों. देख लीजिए कौन सा वाला करेक्ट है. इनमें से जो करेक्ट रिलेशन है वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है. ऑप्शन नंबर वन जो है इसमें से मैच कर रहा है, ठीक है. ऑप्शन नंबर वन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर वन, ठीक है. ऑप्शन नंबर थ्री में भी गिवन है बट माइनस साइन है, बट माइनस साइन तो नहीं आ रहा अगर कंपेयर करें हम यहाँ से, तो ठीक है.
तो ये रिलेशंस आपके पास आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट ईच टाइम स्टेप ए रैंडम वॉकर इन वन डायमेंशन आइदर रिमेन्स एट द सेम पॉइंट विद प्रोबेबिलिटी 1/4 और मूव्स बाय डिस्टेंस डेल टू द राइट और लेफ्ट विद प्रोबेबिलिटीज 3/8 ईच। ओके, मान लीजिए ये अपने पास फिक्स पॉइंट है, तो यहां पर रहने की रैंडम वॉकर की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है, और या तो राइट या फिर लेफ्ट जाने की जो प्रोबेबिलिटीज है, और मान लीजिए ये स्टेप उठाता है डेल, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, यहां पर ये अगर रहता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का डेल, इधर वाला डिस्टेंस क्या होगा, माइनस डेल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर एन टाइम स्टेप्स इट्स रूट मीन स्क्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, रूट मीन स्क्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स मीन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए पी आई एक्स, ठीक है। अब यहां पर अगर ये रहता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 0 प्लस में यहां पर 3/8 और कितना डिस्प्लेसमेंट है, माइनस डेल, प्लस में यह आ जाएगा 3/8 और डेल, डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मैं यहां पर माइनस प्लस ले रहा हूं, डिस्टेंस होता तो फिर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में दिस इज जीरो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं 3/8 इंटू डेल, और ये किस डायरेक्शन में है, ये आपके पास में है माइनस आई कैप में, ठीक है, तो माइनस आई कैप आ जाएगा और ये वाला प्लस का आई कैप आ जाएगा, तो फिर दोबारा ये कैंसिल होकर के जीरो ही दे देगा, तो मीन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर कितनी है, जीरो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ मीन डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 0 प्लस में 3/8 और ये आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर 3/8 एंड डेल स्क्वायर, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3/8 प्लस 3/8 दैट मीन्स 3/4 और डेल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं कितना आ जाएगा, 3/4 डेल स्क्वायर, और ये वन स्टेप के अंदर है, अगर n स्टेप्स लेता है तो n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और माइनस में जीरो, तो ये आंसर आने वाला है, तो डेल आप बाहर ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3n/4, ये आंसर आ जाएगा इसका, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 47th क्वेश्चन है, ए गैस ऑफ फोटॉन्स इनसाइड ए कैविटी ऑफ वॉल्यूम V इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, इफ द टेम्परेचर ऑफ कैविटी इज चेंज टू 2T देन द रेडिएशन प्रेशर विल चेंज बाय फैक्टर ऑफ, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर, ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन है ये, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद रखने चाहिए, वो एक तो आपके पास में है, देखिए एक है आपके पास में पावर रेडिएटेड या एनर्जी रेडिएटेड, इसका जब फॉर्मूला पूछता है आप बता देंगे सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 है, ठीक है, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, सिग्मा यहाँ पर स्टीफन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ई यहाँ पर एमिसिविटी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी केस में 1 ले लेते हैं इसको, ए इज द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो 4πr² ले रहा है इसको, ठीक है, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है, दिस इज द पावर ऑन एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रेशर की क्या बात, द प्रेशर इज यू बाई 3, वेयर यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, और ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वैसे अल्फा टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 होता है, अल्फा इज सम कांस्टेंट, यहाँ पर यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 आ जाएगा, सो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताइए, इंटेंसिटी और प्रेशर के बीच में, सो पी इज इक्वल टू कितना होता है, आई बाई सी होता है, या फिर 2i/c भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है एक्चुअल में, जैसे i/c है, ठीक है, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल में, तो अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट मीन्स जो ब्लैक बॉडी है इट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब द रेडिएशन और दिस इज इमिट द रेडिएशन, एमिशन के केस में ये, एब्जॉर्प्शन के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी आपसे प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रेशर पी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, तो इनिशियली तो टेम्परेचर टी है, ठीक है, और फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली इज 2t टू द पावर 4, सो दिस इज, अगर हम दोनों को देखें डिवाइड करें देन आई एम गेटिंग फाइनल टू इनिशियल प्रेशर, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स इट इज 16, ठीक है, तो 16, तो देखिए आपके पास में ऑप्शन क्या है, ये पूछ रहा है रेडिएशन प्रेशर विल चेंज बाय फैक्टर, ठीक है, तो PF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू PI, तो 16 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The internal energy of a system at a fixed volume is found to depend on the temperature T as this, then the entropy as a function of temperature is. Energy, internal energy given है सबसे पहले तो temperature की terms में it is a T square plus में b T to the power 4 और आपसे entropy पूछा है तो एक relation आप thermodynamics में पढ़ा होगा ठीक है जब negative temperature की बात करता है उस time relation आता है कि 1 by T is equal to del S by del E ठीक है ऐसा relation आपने पढ़ा होगा तो यहां से हम find out करते हैं देखिए यह आ जाएगा 1 by T इसको आप derive भी कर सकते हैं देखिए इसको आप derive भी कर सकते हैं आप जानते हैं कि dq is equal to ये कितना होता है dq is equal to T ds होता है and also dq is equal to du plus में dw so I am getting du is equal to dq minus में dw so I am getting actually dq which is T ds minus में pdv तो यहां से अगर हम find out करें then I am getting T is equal to del u by del s at constant volume v or you are getting 1 by T is equal to del S by del U at constant volume V. यहां से आपने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है? तो यहां से अगर हम देखें, तो 1 by T, this is equal to del S by del T divided by del E by del T. ऐसा भी लिख सकते हैं, constant volume V. ठीक है? So, I am getting del S by del T divided by del E by del T. तो T के respect में अगर इसका हम derivative लें, तो कितना जाएगा? 2AT plus में, यह जाएगा 4BT cube. ठीक है और यहां पर है 1 by T इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको यहां भेजते हैं तो कितना जाएगा 2a plus में 4b t स्क्वायर ठीक है t divided by t this is equal to del s by del t ये कैंसिल हो जाएगा यहां आ जाएगा dt ठीक है और 2a plus में 4b t स्क्वायर this is equal to s और दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया कितना जाएगा यहां से I am getting s is equal to 2a t plus में 4b t क्यूब by 3 ये आंसर आ जाएगा प्लस में This is the entropy as a function of temperature T. So option number 3 is correct. चलिए next question देखते हैं. A gas of non-relativistic classical particles in one dimension is subjected to a potential alpha and mod x. The partition function is in terms of beta. चलिए potential given है alpha mod x. So अगर हम Hamiltonian लिखें तो इसका आ जाएगा along one dimension है तो p square by 2m plus में alpha mod x simply आ जाएगा. हमने फाइंड आउट करना है पार्टीशन फंक्शन इसकी वैल्यू क्या होती है g I e टू द पावर माइनस बीटा e I ठीक है ये कब आता है जब आपके पास में डिस्क्रीट केस हो कंटीन्यूअस केस में कितना जाएगा कंटीन्यूअस केस में अच्छा क्लासिकल पार्टिकल्स हैं तो 1 / h ठीक है 1 / h और ये आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एंड e टू द पावर माइनस में कितना जाएगा यहां से बीटा और h h कितना है p स्क्वायर / 2m प्लस में अल्फा मोड x ठीक है और dp dx ये आ जाएगा वैसे जनरल फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय h की पावर 3n ठीक है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी 6 बार आते हैं इंटीग्रेशंस और फिर इसके बाद में dpx dpy dpz dx dy dz ठीक है फेस स्पेस में हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे 1 डायमेंशन केस है तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 बाय h और माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा p square by 2m dp ठीक है multiply with the minus infinity से infinity e to the power minus beta alpha mod x इसको आप हटा लीजिए काम कीजिए mod x अंदर क्या है even function तो twice 0 to infinity और mod x का आप x लिख दीजिए dx ये आ जाएगा ठीक है so 1 by h इसका भी बताया था मैंने standard Gaussian integral है standard Gaussian integral होता है minus infinity से infinity e to the power minus ax square ठीक है dx इसकी value होती है under root of पाई बाय ए तो रिलेशन हम यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2m ठीक है पाई डिवाइडेड बाय सॉरी बीटा बाय 2m ठीक है बीटा बाय 2m तो 2m ऊपर चला जाएगा ठीक है और ये भी अपने पास में देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है 2 मल्टीप्लाई विद द स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 0 से इंफिनिटी e टू द पावर -ax और ये आ जाएगा x टू द पावर n dx ठीक है ऐसा हाइड्रोजन एटम में भी आपने पढ़ा होगा क्वांटम फिजिक्स यूज करते टाइम बहुत यूज होता है इसका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस 1 ये फार्मूला यूज करेंगे यहां पर सो यहां पर कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी है 0 है a की वैल्यू कितनी है अल्फा बीटा है तो कितना आ जाएगा 1 बाय अल्फा बीटा बस सिंपली आ जाएगा ठीक है तो यहां से आ जाएगा 2 बाय h अल्फा बीटा ठीक है 2 बाय h अल्फा बीटा एंड आई एम गेटिंग अंडर रूट ऑफ 2 पाई m डिवाइडेड बाय बीटा ठीक है और ऐसा ऑप्शन नहीं है तो एक काम कीजिए आप सभी टर्म्स को अंदर ले जाइए ठीक है तो कितना आ जाएगा 2
ये आंसर जाएगा 4 × 4 × 2 = 8, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 8 और पाई एम डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास. दिस इज द पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपको गिवन होगा. इट इज 8 पाई एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 3. थर्ड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रेशर ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कंटेंड इन ए वॉल्यूम वी एट ए टेम्परेचर टी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू एन के टी माइनस, ये गिवन है आपके पास रिलेशन. N is the number density, A and B are temperature independent constants. If the system exhibits a gas liquid transition, the critical temperature is. So critical isotherm phase जो है उसकी condition है कि del P by del V, this is equal to del square P by del V square, this must be equal to zero. Pressure आपको given है, this is N K T and minus में half A N square plus में 1/6 B और N cube, ठीक है. अब यहां पर देखिए, सिंपली आप n को रिप्लेस कर दीजिए, n इज इक्वल टू n बाई वी है, ठीक है. तो हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि कैपिटल n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है. तो कैपिटल n को हम सपोज करके चलते हैं, कैपिटल n इज 1 फॉर वन पार्टिकल, मैं यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा के टी बाई वी माइनस में हाफ ए बाई वी स्क्वायर प्लस में 1/6 B बाई वी क्यूब, दिस इज द प्रेशर, ठीक है. तो ऐसा सिंप्लिसिटी के लिए मैं कर रहा हूं, आप एन भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा, पर अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो आंसर गिवन है वो ए और बी की टर्म में गिवन है और के की टर्म में गिवन है, ना कि एन की टर्म में, तो इसको मैंने वन मान लिया. सो देखिए डेल पी बाय डेल वी, ठीक है, दिस इज गिवन बाय माइनस के टी बाय वी स्क्वायर एंड प्लस में यह आ जाएगा ए बाय वी क्यूब, ठीक है, एंड माइनस में यह आ जाएगा 1/2 B डिवाइडेड बाय v की पावर 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है. ऑल्सो अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव का देखें तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव 2 KT डिवाइडेड बाय v क्यूब एंड माइनस में 3 A बाय v टू द पावर 4 एंड माइनस में प्लस में 4/2 विच इज 2 B v टू द पावर 5, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है. एंड ये जो कंडीशन है वो होगा एट टी इज इक्वल टू टी सी, पी इज इक्वल टू पी सी एंड वी इज इक्वल टू वी सी, ठीक है. तो क्रिटिकल के ऊपर होगा तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने रिप्लेस कर दिया. अब तीन इक्वेशंस हैं और तीन आपके पास में वेरिएबल्स हैं, पी सी, वी सी और टी सी. तो हमने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोई भी दो इक्वेशंस का यूज़ कर लीजिए. मान लीजिए इन दोनों इक्वेशंस का मैं यूज़ कर लेता हूँ. इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो देखिए, इन दोनों टर्म्स को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप इसको 2 डिवाइडेड बाय वी सी क्यूब, इससे आप मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा -2 KTC डिवाइडेड बाय वी सी क्यूब प्लस में 2 KT बाय वी सी क्यूब, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. सो दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद द 2 डिवाइडेड बाय वी सी, तो कितना आ जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स को कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय वी सी टू द पावर 4 माइनस 3 A वी सी टू द पावर 4 ऐड किया है मैंने, देन माइनस में ये हो जाएगा 2 बाय वी सी, ठीक है, तो यह आ जाएगा बी बाय वी सी क्यूब एंड प्लस में 2 B डिवाइडेड बाय सॉरी वी सी क्यूब नहीं वी सी की पावर 5 आ जाएगा ना, ठीक है, वी सी की पावर 5 आ जाएगा और ये वी सी की पावर 5, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है. और ये आ जाएगा यहाँ से 1/VC^4 ए बी कॉमन ले लेते हैं, देन आई एम गेटिंग 2 - 3 इज -1, ठीक है, प्लस में बी डिवाइडेड बाय वी सी टू द पावर 5 एंड आई एम गेटिंग 2 - 1 विच इज 1 डिवाइडेड बाय बस 1 ही आएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है. और इधर भेजेंगे तो कितना जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ, ठीक है. अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, देखो ये टर्म्स कैंसिल हो रही है, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो वी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बी बाई ए, वी सी की वैल्यू आ रही है बी बाई ए. अब या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक. चलिए इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, -KTC, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2 VC टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस में 2 और ये आ जाएगा VC स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस में 2 VC और A और माइनस में ये आ जाएगा B, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इधर जा करके 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में -2 KTC, ठीक है, और VC स्क्वायर कितना है, ये b² / a² प्लस में 2 VC की वैल्यू b बाय a से ए कैंसिल तो 2 b हो जाएगा, माइनस में b, दिस इज इक्वल टू 0 और 2 b माइनस b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा,
ठीक है, प्लस में बी दिस इज इक्वल टू जीरो, इसके इधर भेजेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी, माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये बी से ये एक भी कैंसिल हो जाएगा और टी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फाइनली टी सी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के पी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के बी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा वैल्यू सही है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के बी, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थ्री इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैमिल्टोनियन ऑफ ए वन डायमेंशनल आइसिंग मॉडल ऑफ एन स्पिन्स इज दिस, वेयर स्पिन सिग्मा आई दिस इज इक्वल टू आइदर प्लस वन और माइनस वन, जे इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एट इनवर्स टेम्परेचर, बीटा इज इक्वल टू वन बाय के टी, द कोरिलेशन फंक्शन बिटवीन द नियरेस्ट नाइबर स्पिन्स। ठीक है, सो सिग्मा आई प्लस वन, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हैमिल्टोनियन गिवन है माइनस जे, ठीक है, और सिग्मा आई प्लस वन, एंड सिग्मा आई इट कैन टेक आइदर वैल्यू प्लस वन और माइनस वन। ठीक है, तो चार केसेस बनेंगे, सिग्मा आई प्लस वन, ठीक है, कितना आ जाएगा, और सिग्मा आई प्लस वन और निकाल लीजिए यहाँ से, और फिर उसके बाद हैमिल्टोनियन एच, ठीक है, कितना देखिए केसेस क्या बनेंगे, वन वन माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस वन माइनस वन वन, हैमिल्टोनियन कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए माइनस जे, यहाँ से जे, यहाँ से जे और यहाँ से माइनस जे। ठीक है, तो z पार्टीशन फंक्शन कितना आ गया, पार्टीशन फंक्शन आ गया 2, ये टू फोल्ड डिजिट है ना, तो कितना आ जाएगा 2 e टू द पावर माइनस जे बीटा, और प्लस में 2 e टू द पावर, ये माइनस जे है टू फोल्ड डिजिट है, तो 2 e टू द पावर प्लस का बीटा जे, ये आ जाएगा आपके पास में पार्टीशन फंक्शन, और आपने फाइंड आउट करना है सिग्मा आई प्लस 1। ठीक है, ये कोरिलेशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये जो भी वैल्यू है इसकी 1, ठीक है, वन इंटू में ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ई टू द पावर माइनस बीटा ई कितना है, माइनस जे है, तो आ जाएगा प्लस बीटा जे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है माइनस वन और मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस बीटा जे, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे तो माइनस वन, ठीक है, माइनस वन ये है और ई टू द पावर माइनस बीटा जे, और एक वैल्यू और बच गई प्लस में वन इंटू ई टू द पावर प्लस का बीटा जे, और डिवाइडेड बाय सबकी डिवाइडेड बाय जेड, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो e की पावर बीटा जे, e की पावर बीटा जे, तो आ जाएगा 2 e टू द पावर बीटा जे, ठीक है, और माइनस में 2 e टू द पावर माइनस बीटा जे, पार्टीशन फंक्शन हम पहले फाइंड आउट कर चुके, इट इज 2 e टू द पावर माइनस बीटा जे एंड प्लस में 2 e टू द पावर बीटा जे, आपके पास आ जाएगा e टू द पावर बीटा जे माइनस e टू द पावर माइनस बीटा जे डिवाइडेड बाय e टू द पावर बीटा जे और प्लस में e टू द पावर माइनस बीटा जे, फॉर्मूला है आपके पास में tan हाइपरबोलिक का, तो tan हाइपरबोलिक बीटा जे, ये आपके पास में आ जाएगी tan हाइपरबोलिक बीटा जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल मे बी कंसिडर्ड टू बी दैट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इफ गैस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज एट टेम्परेचर टी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रैंडमली पिक्ड मॉलिक्यूल विल बी फाउंड इन इट्स लोवेस्ट वाइब्रेशन स्टेट। ठीक है, हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, सो EN के लिए आ जाएगी एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, लोवेस्ट स्टेट के लिए n इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इसके लिए हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस बीटा और n की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ठीक है, ऐसे e होता है यहाँ पर, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय z आ जाएगा, और n इज इक्वल टू जीरो के लिए हम पुट कर रहे हैं, तो सिंपली हम कितना पुट कर देंगे यहाँ पर, n इज इक्वल टू जीरो तो हाफ एच कट ओमेगा आ जाएगा, तो हाफ एच कट ओमेगा आ जाएगा इसमें। z पार्टीशन फंक्शन कितना होगा इसका, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, देखिए वैसे मैंने फाइंड आउट कर चुका हूँ मैं इसका, एक बार फिर देख लीजिएगा, यह आ जाएगा जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, सो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू पुट करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय टू, एंड इसके भी डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है, अच्छा ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सो आई एम गेटिंग वन माइनस ई टू द पावर माइनस एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय के टी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 53 नंबर है, इट सेज द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ ए गैस ऑफ स्पिन हाफ फेरमियंस इन टू डायमेंशंस, ओके डी इज इक्वल टू टू गिवन है और डिस्पर्जन रिलेशन भी गिवन है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, देखिए वेव वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, दैट मींस एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ गई वन,
अच्छा आप क्या कह रहा है, इफ द फेर्मी एनर्जी एट जीरो टेम्परेचर इज ई एफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, यानी कि नंबर डेंसिटी. सो नंबर डेंसिटी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ई एफ टू द पावर डी बाई एस सिंपली. तो कितना आ जाएगा ई एफ स्क्वायर. ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर फोर. ठीक है ऑप्शन नंबर फोर मैच कर रहा है. सो दिस इज करेक्ट. चलिए 54th क्वेश्चन देखते हैं. द हैमिल्टोनियन ऑफ ए क्लासिकल नॉन लीनियर वन डायमेंशनल ऑस्किलेटर इज दिस. ठीक है द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सच ऑस्किलेटर्स इज. सो हैमिल्टोनियन गिवन है पी स्क्वायर बाय 2m प्लस में लेमडा एक्स टू द पावर 4. ठीक है स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है. तो स्पेसिफिक हीट का मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसमें. ठीक है हो सकता है आप पार्टीशन फंक्शन यहाँ पर यूज करें. ठीक है विच इज 1 बाय एच एंड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और यहाँ से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा एच और डी पी डी एक्स. हो सकता है आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें. ठीक है और फिर उसके बाद यू निकालें माइनस डेल बाय डेल बीटा एल एन जेड करके और फिर उसके बाद यहाँ से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आप फाइंड आउट करें डेल यू बाय डेल टी. ठीक है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी. तो इतना आपने नहीं करना है. सिंपली आप यहाँ पर यूज़ करिएगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इट स्टेट्स दैट द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज एक्चुअली हाफ के टी. ठीक है तो इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा दिस इज पी स्क्वायर बाई 2m प्लस में लैम्डा एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. तो इसके एसोसिएटेड कितना है हाफ के टी. ठीक है प्लस में इसके साथ एसोसिएटेड 1 बाय 2 पर इसका होल स्क्वायर है तो 1 बाय 2 का होल स्क्वायर के टी. तो कितना आ जाएगा ये 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 और इनटू में के टी. ठीक है 4 आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 3 बाय 4 के टी. ये आ गया इंटरनल एनर्जी. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फॉर्मूला यूज करेंगे तो 3 बाय 4 के भी आ जाएगा आंसर. ठीक है चलिए लास्ट है हम देखते हैं 55 क्वेश्चन. द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 11 इनडिस्टिंग्विशेबल बोसॉन्स इन 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. तो टोटल नंबर ऑफ बोसॉन्स है 11 और एनर्जी लेवल्स आपके पास में 3. ठीक है बोसॉन्स है तो बोसॉन्स के केस में क्या वैल्यू होता है नंबर ऑफ वेज कितना होता है. इसका वैल्यू होता है एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल एंड जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल. तो कितना आंसर आ जाएगा ये 11 प्लस 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल विच इज 11 फैक्टोरियल एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल आंसर इसका. ठीक है सो आज हमने 25 क्वेश्चंस करे हैं बेस्ड अपॉन द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द एटॉमिक सॉलिड एंड न्यूक्लियर. तीनों एक साथ करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है आइदर 15 या 20 क्वेश्चंस इनसे बेस्ड हम करेंगे. ठीक है तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही. अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.